हेलो दोस्तों, मैं किन मिश्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, और वैष्णव धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और ये भी जो है दोस्तों टॉपिक एग्जाम ऑफ यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो जो है पूरा इंटरेस्ट से भरा हुआ है, कहानी के साथ भरा हुआ है, और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वैष्णव धर्म की एक एक फैक्ट और एक एक पॉइंट को आपको बताने वाला हूं। इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था शैव धर्म के बारे में, और शैव धर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हमने जो है क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट जीके की महामैराथन सीरीज, और लूसेंट में मैं आज 31वां लेक्चर लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं 30 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो जाइए, आप वीडियो को देखते हुए आइए। दोस्तों, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार जो है रिवीजन करेंगे। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया दोस्तों, हमने पढ़ा जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ा दोस्तों? जैन धर्म के बारे में पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने किसके बारे में पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में। उसके बाद दोस्तों हमने बौद्ध धर्म के बाद हमने तुरंत जो है देखा शैव धर्म के बारे में, और कल की वीडियो जो है वो किस पे थी? सिर्फ शैव धर्म थी। अब आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, और वैष्णव धर्म के बारे में सारी जानकारी देंगे। देन दोस्तों, लूसेंट में सिक्वेंस वाइज आपको दिया गया है, आप जैसे ही पेज नंबर 9 और 10 देखेंगे तो पहले जैन धर्म दिया है, फिर बौद्ध धर्म दिया है, फिर शैव धर्म दिया है, फिर वैष्णव धर्म दिया है, और इसके जस्ट ही नीचे क्या मिलेगा आपको दोस्तों? इस्लाम धर्म मिलेगा। तो इस्लाम धर्म की भी बात करेंगे हम इसके आगे वाली वीडियो में। उसके बाद दोस्तों क्या मिलेगा आपको? ईसाई धर्म भी मिलेगा, तो ईसाई धर्म की भी हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद दोस्तों हम किसकी बात करेंगे? पारसी धर्म भी मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे धर्म का जो है सिलसिला जाकर के खत्म होगा। तो धर्म जो है किस तरह से है, अब धर्म क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि प्राचीन इतिहास में धर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म से ही पता चलता है कि प्राचीन में लोग कैसे थे, कैसे नहीं थे। तो इसके पहले वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो सारे धर्म के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं, आप सिक्वेंस वाइज देख सकते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म हमने पढ़ लिया है, आज हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, और टोटल जानकारी लेंगे, और इसी सिक्वेंस में वीडियो आपको आगे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग वैष्णव धर्म को समझते हैं बिल्कुल कहानी के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। दोस्तों, वैष्णव धर्म क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, वैष्णव यानी कि विष्णु जी की पूजा होगी। तो जब जिस धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी, भगवान विष्णु की पूजा होती थी, उसे हम क्या बोलते थे दोस्तों? उसी को हम बोलते थे वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म में बस आपको इतना याद रखना है कि जो वैष्णव धर्म के लोग होते थे वो किसकी उपासना करते थे? वो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखेंगे कि विष्णु के उपासक को ही वैष्णव धर्म कहा जाता है। वर्शिपर्स ऑफ विष्णु इज कॉल्ड वैष्णवीज। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमें पता कैसे चला आखिर वैष्णव धर्म की बात हो रही है। किसी भी धर्म की अगर बात होगी तो उसके पीछे का एक स्रोत होता है कि आखिर कैसे पता चल गया भाई कि कोई एक धर्म था जिसका नाम वैष्णव धर्म था। तो पता चला दोस्तों उपनिषद में। अब कौन सा उपनिषद था आगे मैं बात करूँगा, अभी बस इतना देखेंगे कि एक उपनिषद था, उसमें पता चला उसकी प्रारंभिक जानकारी, यानी कि वैष्णव धर्म भी होता है, भगवान विष्णु की भी पूजा होती थी पहले, ऐसा पता चला किससे दोस्तों? उपनिषद से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैष्णव धर्म की जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है, जो प्रीलिम्स जो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, वो कहाँ से मिलती हैं दोस्तों? उपनिषद से मिलती है। अब किस उपनिषद से मिलती है वो भी हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ठीक है, अच्छा, इसकी उपासक को क्या कहा जाता है दोस्तों? पंचरात्र बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और लूसेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता ही है। तो अगर जो वैष्णव धर्म का पूजा कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको उपासक बोलेंगे, और उस उपासक का एक अलग नाम हुआ करता था, उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों? पंचरात्र कहते थे। क्या कहते थे? पंचरात्र कहते थे। तो आप इसे जो है बिल्कुल भूलेंगे नहीं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसकी प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसे प्रवर्तक माना जाता है भगवान श्री कृष्ण को। अब आगे चल के आप पढ़ेंगे दोस्तों
कि भगवान जो विष्णु थे ना, उनके 10 अवतार हुए हैं, और 10 अवतार में से जैसे श्री राम का नाम आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम जानते हैं, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, बहुत सारे अवतार हैं, टोटल 10 अवतार हैं उनकी। और 10 अवतार के बारे में पढ़ना है, 10 अवतार में से जो अवतार श्री कृष्ण वाला था, तो ऐसा माना जाता है कि जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, जो ज़्यादा प्रमोट करने वाले थे, वो कौन थे, वो भगवान श्री कृष्ण थे। और इंफॉर्मेशन आपको उपनिषद में मिलेगा, छंदोग्य उपनिषद में, कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो वृषण कबीले के थे। कबीला मतलब ग्रुप होता है। देखिए अभी तो सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो मथुरा में हुआ था, वो मथुरा से जो है संबंध, मतलब मथुरा से वो संबंधित थे और वृषण कबीले से थे। लेकिन हमें जानकारी अभी पहले नहीं ना पता था लोगों को, हमें कहीं ना कहीं से स्रोत मिला होगा, कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी। तो सबसे पहली जानकारी हमको यही मिली थी कि वो वृषण कबीले से थे और उनका निवास स्थान कहाँ था दोस्तों, उनका निवास स्थान मथुरा था। अब आगे चल के वो वृंदावन में गए, गोकुल में गए, वहाँ रास रसीला जो भी हुआ उनका, वो अलग मैटर है। बस हमें जो है ध्यान क्या देना है, जो लूसेंट में लिखा है वो चीज़ें ध्यान देनी है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, कि वैष्णव धर्म जो है किसे कहते हैं, तो विष्णु के उपासक को वैष्णव धर्म कहते हैं, भगवान विष्णु का जो लोग उपासना करते हैं, और उनके प्रवर्तक जो थे वो श्री कृष्ण थे, और उनकी जो उपासना करते थे उनका एक अलग ही नाम हुआ करता था, जिसको क्या बोलते थे दोस्तों, पंचरात्र बोलते थे। तो आई होप दोस्तों ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। इसको हमने नाम दिया परिचय का, यानी कि परिचय हमने पढ़ लिया वैष्णव धर्म के परिचय के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये भगवान श्री कृष्ण अगर इस वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं, तो इनके बारे में कैसे कैसे जानकारी मिली है, सबसे पहले किस उपनिषद में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण थे, आखिर कैसे पता चला। सबसे पहले ही तो नहीं ना बन गया था श्री कृष्णा, अभी तो बना है ना, अभी तो जल्दी में बना है आपका श्री कृष्णा जो सीरियल है, आप लोग देखते हैं, सारी जानकारी वहां से मिल जाती है। लेकिन पहले लोगों को कैसे पता चला उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या इतिहास रहा है भगवान श्री कृष्ण के पीछे के, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, टेक स्क्रीन शॉट, 1 2 3। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के इतिहास के बारे में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जानकारी कैसे मिली। देखिए दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे, कैसे थे, सारे लोगों को पता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो चीज़ें लूसेंट में लिखी गई हैं, और लूसेंट में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में पहली जानकारी कैसे मिली, दूसरी जानकारी कैसे मिली, कौन कौन से किताबों में क्या क्या लिखा गया है, वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। मैं ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण के बारे में बता रहा हूँ कहानी, श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं दोस्तों, उसके बारे में शायद मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, बहुत बड़ी बड़ी घंटों जो है वीडियो बोल दूँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का प्रथम जो है इंफॉर्मेशन मिला, दूसरी इंफॉर्मेशन कैसे मिली, मतलब किस किस किताब से कौन कौन सी चीज़ें मिली, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला मेंशन, यानी कि किस चीज़ में लिखा गया था सबसे पहला, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण यानी कि जो वैष्णव धर्म है उसके बारे में सबसे प्रथम इंफॉर्मेशन उपनिषद से मिला है। तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा होगा। तो दोस्तों छंदोग्य उपनिषद है, कौन सा उपनिषद है दोस्तों, छंदोग्य उपनिषद, इसमें जो है प्रथम मेंशन मिला है, यानी कि जो छंदोग्य उपनिषद है उसमें प्रथम बार लिखा हुआ मिला है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या लिखा हुआ मिला था, वो समझिएगा। देखिए बिल्कुल कहानी की तरह रिलेट करिए, क्या लिखा था दोस्तों, ये लिखा था कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं। क्या लिखा था दोस्तों, कि देवकी पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण और अंगिरास के शिष्य हैं, ठीक है। अब हो सकता है आप लोगों को ये ना पता हो कि अंगिरास के शिष्य हैं, लेकिन जो चीज़ लिखा था उस छांदोग्य उपनिषद में वो मैं बता रहा हूँ, दो चीज़ें लिखी थी, एक तो देवकी के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण और दूसरा लिखा था अंगिरास के क्या हैं, शिष्य हैं। इतनी बातें याद रखनी है, प्रथम जानकारी छांदोग्य उपनिषद में क्या लिखा था, देवकी पुत्र और अंगिरास के शिष्य हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा मेंशन क्या मिलता है दोस्तों, दूसरा मेंशन मिलता है बेस नगर के स्तंभ लेख से। आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है अभिलेख, स्तंभ लेख, पिलर्स क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात किया है मैंने। स्तंभ लेख वो होता है दोस्तों, जैसे पिलर आपका पिलर होता है ना, बहुत बड़े बड़े ईंट के पिलर होते हैं, उस पिलर में जो है कुछ लिखा गया हो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्तंभ लेख बोलते हैं। आई होप समझ रहे हैं। तो
बेस नगर का स्तंभ लेख पाया गया था उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा मिलता है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एक पुराण है मत्स्य पुराण। आप सबको पता है मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है जो कि आंध्र सातवाहन से समर्पित है, और इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात किया कि मत्स्य पुराण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराण है। अच्छा, मत्स्य पुराण में दोस्तों बताया गया कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहली जानकारी कहाँ मिली, छांदोग्य उपनिषद में मिली। दूसरी जानकारी बेसनगर के अभिलेख में मिली। तीसरी जानकारी कहाँ से मिल रही है दोस्तों, मत्स्य पुराण में बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के कितने अवतार हैं, 10 अवतार हैं। उन 10 अवतार को हमने लिखा है दोस्तों, एक है मत्स्य, उसके बाद है कुर्म, वराह, नरसिंह अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, उसके बाद वामन अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध और कल्कि। तो ये जो है टोटल 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी जो है आ जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की इंफॉर्मेशन मिली हमें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ अन्य तथ्य के बारे में जो कि वैष्णव धर्म से ही रिलेटेड हैं, कि वैष्णव धर्म में एक चीज़ और लिखा गया है लूसेंट में कि जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र होता है, जो भगवान विष्णु के हाथ में होता है, उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं। तो 6 तिल्लियाँ बताई गई हैं, नोट करके लिखा गया होगा। आप ध्यान से देखेंगे लूसेंट की बुक, अगर आपके पास लूसेंट बुक नहीं है तो समझ लीजिए आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं। इस वीडियो को तब मत देखिए, लूसेंट बुक जरूर लेके बैठिए, और लूसेंट बुक में जो है पेज नंबर 8 और 9 देखिए, सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन लिखी गई है। हो सकता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में लिखी गई हो और मैं क्या कर रहा हूँ उसे आसान कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है बुक को ले करके पढ़िए तो ज़्यादा सही है। हम बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, कुछ अदर फैक्ट के बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम लिखते हैं अदर फैक्ट। 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। हाँ, तो दोस्तों अब बचे हैं कुछ अदर फैक्ट जो कि जो है वैष्णविज्म के हैं, उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां हैं। तो हमने आपको बताया कि भगवान जो विष्णु हैं उनके सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, 6 तिल्लियां हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। और दोस्तों कहा गया कि अगर आपको वैष्णव धर्म की प्राप्ति करनी है तो आपको बहुत ही तन से मन से बहुत ही अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी भक्ति होगी उतनी ही जल्दी आपको वैष्णव धर्म की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो लूसेंट में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, कहानी बना के आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। और दोस्तों एक मंदिर के बारे में बात किया गया है, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया वाला इलाका है, और इंडिया से जो है बाहर एक जगह पड़ता है कंबोडिया। कंबोडिया आप जानते होंगे, तो कंबोडिया में एक मंदिर है जिसको किसने बनवाया था दोस्तों, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। और वो कौन सा मंदिर है, वो अंकर वाट का मंदिर है, बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर है। तो किसका मंदिर है वो दोस्तों, भगवान श्री विष्णु का मंदिर है। और उसमें भगवान श्री विष्णु की बहुत ही ऊँची, कितना, 10.5 फीट ऊँची जो है क्या बनाई गई है, चित्र बनाई गई है, सॉरी मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। कौन सा मंदिर है दोस्तों, अंकर वाट का मंदिर है। तो 3 चीज़ें बात आपको याद रखनी है अन्य तथ्य में भी, कि उनके तिल्लियों में जो उनके चक्र में जो है 6 तिल्लियाँ थी। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि अगर वैष्णव धर्म को प्राप्त करना है तो बहुत ही महत्व देना पड़ेगा आपको भक्ति में। और तीसरा चीज़ जो है, जो अंकर वाट का मंदिर है उसमें 10.5 फीट की भगवान श्री विष्णु की मूर्ति बनाई गई है, और किसने बनाया दोस्तों, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया, ठीक है। अब दोस्तों 2 ग्राफ जो है आपके सामने शो हो रहा होगा, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपके लूसेंट में दिया गया है, तो ये जो है टू मच इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे भी आप लोग जो है ध्यान से पढ़ लीजिए कि कुछ संप्रदाय हैं उनके आचार्य के बारे में दिया गया है, और कुछ संप्रदाय हैं उनके जो है आपकी मत के बारे में दिया गया है। सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा, तो ये टू मच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप, मैंने क्या कहा कि आपको लूसेंट में कवर करवा रहा हूँ, तो लूसेंट में मेरा हक बनता है कि कोई भी पॉइंट में ना छोड़ूँ। तो लूसेंट में ये भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए। बाय द वे, अगर लूसेंट से कभी हट के पूछा जाए क्वेश्चन तो आप उसको कर सकें। तो लूसेंट को एक एक टॉपिक को नहीं छोड़ना है दोस्तों, एक एक फैक्ट को बताना है, ना लूसेंट से बाहर ना लूसेंट के अंदर। तो आपको सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट से जो है प्रोवाइड करूँगा। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना जो है लाइक
सपोर्ट स्नेह जरूर दीजिए। ऐसी मज़ेदार वीडियो हर जो है सेशन में मैं लेकर के आता रहूँगा। और मेरा टारगेट है दोस्तों कि लूसेंट जीके ख़त्म करना ही करना है किसी भी हाल में, चाहे मुझे 100 वीडियो बनानी पड़े, चाहे 200 वीडियो बनानी पड़े, ठीक है। इस तरह से अब अगले वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, फिर पारसी धर्म के बारे में, और फिर जो है उसी सिक्वेंस में चलता जाएगा जिस तरह से लूसेंट में टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।